हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। पूरक कोण क्या होता है तो हम जानते हैं, पीछे क्लास में पढ़े भी हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर वैसे दो कोण मान लेते हैं ए और बी दो कोण है, दोनों का योगफल यदि 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 20 है तो 20 का पूरक कितना होगा, वो 70, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो 90 होगा, यानी कि 20 का पूरक कितना 70, 70 का पूरक कितना 20, हो सकता है कि नहीं होगा, 20 का पूरक कितना 70 और 70 का पूरक 20, जैसे कि 10 है तो 10 का पूरक कितना होगा 80, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो 90 होगा और 80 का पूरक क्या हो जाएगा 10, यानी कि वैसे दो कोण जिनका योगफल कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होगा वही एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ फॉर्मूला होता है पूरक कोण का, उसको आप देख लेते हैं और याद भी आप कर लेंगे ताकि इसी से हम लोगों को क्वेश्चन जो है बनाना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का लिखेंगे बाबू कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद से कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से टैन होता है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा तो कॉट थीटा होगा। ठीक है, फिर आगे होता है कॉट 90 माइनस थीटा, समझ गए होंगे क्या होगा बाबू तो टैन थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह से सेक थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा तो कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा तो सेक थीटा। ये वैल्यू जो है याद रखेंगे, इसी से हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे लिखा हो साइन या लिखा हो 90 माइनस कितना बाबू 20, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह क्या है 20, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर में अगर क्वेश्चन लिखा हो कि टेन 90 माइनस 50, तो बताइए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 50। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो साइन 30 डिग्री, नीचे हो कॉस 60 डिग्री, पूरा कोण आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइन 30 है और कॉस 60 है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा एक दूसरे का पूरा कोण है, इसको तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू रख के। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी उसका वैल्यू दिया ही ना, जैसे मान लीजिए साइन 20 का वैल्यू आप नहीं जानते, नहीं जानते, जैसे साइन 70 कॉस 70 का वैल्यू नहीं जानते, तो जिसका वैल्यू नहीं जानते तो वो पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, या तो आप ऊपर वाले या नीचे वाले दोनों में किसी को तोड़िए। जैसे ऊपर जैसे है तो साइन पे साइन लिखे 90, 90 में से आप क्या घटाइएगा किस 20 आएगा 70, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। नीचे जैसे है वैसे आप लिख दीजिए, दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना होता है। अब ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 70, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 20 नहीं 70, 70 लिख दिए। अब कॉस 70 होता है, नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए, कॉस 70 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये आपका। ठीक, समझ में आ रहा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो क्वेश्चन में यहाँ पे कॉसिक, ठीक है, कॉसिक मान लीजिए कॉसिक 45 नहीं मान लेते हैं 21, कॉसिक 21 डिग्री माइनस सेक कितना बाबू तो 79, कितना बाबू 79, 79 नहीं लिखेंगे 69 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 69, क्योंकि एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब आप या तो आप इसको तोड़ दें या इसको तोड़ दें, दोनों में किसी को भी तोड़ सकते हैं, ये जैसे है वैसे लिखिए कॉसेक 21, अब आप इसको तोड़ेंगे ये होगा सेक 90 माइनस कितना होगा 69। ठीक है, ये क्या लिखेंगे
cosec 21 होगा माइनस sec 99 थीटा, cosec थीटा होता वैल्यू जो है याद करना होगा। देखिए एक माइनस में और एक प्लस में कटेगा तो जीरो आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कुछ हम आपको बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आप इसको घर पे जो है बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपको बता देते हैं जिससे आप देखेंगे, एक्सरसाइज जो है 8.3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाएंगे। दूसरा नंबर हम आपको बताते हैं, देखिए दूसरा का फर्स्ट नंबर लिखा गया है tan 48 है इंटू tan कितना है बाबू 23, फिर tan कितना है तो 42, ठीक है, फिर इंटू tan कितना है तो 67 इज इक्वल टू कितना 1। सिद्ध करके आपको 1 लाना है, क्या लाना है, सिद्ध करके आपको क्या लाना है बाबू 1 लाना है। तो ये LHS और ये RHS प्रूफ करना, हम लोग LHS में जो वैल्यू लिया है क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं तो tan 48 है ना, क्या है tan 48 लिख देंगे इंटू tan कितना है 23 है इंटू tan कितना है 42 है इंटू tan कितना है 67 है। अब आप चेक करना है इसमें कि कौन एक दूसरे का पूरक है, देखिए ये 48 और 42 एक दूसरे का पूरक है, दोनों को सम करेंगे तो 90 आएगा, तो आप इन दोनों को ना एक पास कर लीजिए tan 48, फिर क्या कर लेंगे बाबू tan कितना 42, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे tan 23, फिर इनटू क्या लिखेंगे tan 67, tan कितना 67, समझ में आ रहा, यानी कि दो जो है जो एक दूसरे का पूरक है उसको हम एक पास कर दिए, और हम क्या जानते हैं कि दोनों में किसी एक को तोड़ना, जैसे दोनों में किसी एक को तोड़ना है ये जैसे है वैसे ही आप रहने दीजिए, इसको तोड़िए तो कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से आप क्या घटाएंगे तो 48 होगा, सॉरी 48 नहीं 42, 48 घटा दीजिए, फिर दोनों में एक को तोड़िए तो tan कितना 23, फिर ये क्या लिख देंगे tan 90 माइनस क्या घटा दें 23, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। ये जैसे आप लिख दीजिए tan कितना 48 लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, थीटा की जगह क्या है बाबू 48 इंटू tan कितना लिख देंगे 23, tan 90 माइनस थीटा कितना cot थीटा 23 हो जाएगा। अब एक चीज आप देखिए, पीछे क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिलेशन हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए जब 1 होगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा ये 1 हो गया इंटू हो गया, ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया, क्योंकि थीटा तो दोनों सेम है ना तो 1 तो होगा ही, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना 1, ये आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप उसको, इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब हम लोग अगला सॉल्यूशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।